नमस्ते सभी को। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी, नमस्ते सभी को। आज हिंदी सत्र में हमारे साथ में जगबीर भैया है जो अपनी बात को रखेंगे। जगबीर भैया फैकल्टी मेंबर है एट मीरत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मीरत में। तो भैया को मैं अभी आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को रखे। ओवर टू यू भैया। जी भैया नमस्कार, नमस्ते सभी को नमस्ते। मेरा नाम जगवीर सिंह है और मैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूं। और लगभग लगभग मैंने 16 साल अपने उड़ीसा में भी बिताए हैं एज ए कंप्यूटर साइंस फैकल्टी एज एसोसिएट प्रोफेसर, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में लगभग मैं रहा हूँ। सो मेरा 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अभी भी फैकल्टी को भी ट्रेनिंग देता हूँ, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ फॉर AWS के लिए। अमेजन वेब सर्विस होता है उसके लिए टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मैं देता हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को, मीन्स पर्सनैलिटी को, मेंटेलिटी को मैं फेस करता हूँ। मैंने एज ए वार्डन भी काम किया है यहाँ इसमें, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी उस टाइम, इसके चलते मुझे हॉस्टल में भी रहना पड़ा। तो मुझे दायित्व दिया गया था कि आप हॉस्टल के वार्डन का भी दायित्व निभाए, वहाँ भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और सॉर्ट आउट किया है। और मैं डिपार्टमेंट में अपने HOD एज ए HOD भी एक्टिंग में रहता हूँ, पहले भी बहुत HOD भी रह चुका हूँ, और बहुत सारे दायित्व हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेटर और बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉक्टर, स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी, एग्जामिनेशन, बहुत सारे चीजें। सो मैंने जो अपना फर्स्ट वर्कशॉप था वो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 को किया था ऑनलाइन मोड में, और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था। उसके बाद ही मैंने सेकेंड UHV सेकेंड भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने एग्जाम उसका ठीक ठाक नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। फिर मैंने ये जो हमारा 30 मार्च से ये मार्च में जो शुरू हुआ है, जो अभी चल रहा है, जो इसमें ज्वाइन किया और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, जो कि जहां मैं लैगिंग कर रहा था बचपन से ही, या बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैं लैगिंग करता था, उनको ही मैंने इसमें बहुत सारे कुछ सीखा, बहुत कुछ दूर किया है, बहुत कुछ अपने जो शेयरिंग चल रहे हैं उनसे सीखा है। स्पेशली जो हमारे हिंदी स्पीकर्स परीक्षित अग्रवाल भैया, परीक्षित अग्रवाल जी की स्पीच बहुत अच्छी होती है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। निधि मैडम से, निधि दीदी, अपराजिता, यशवंत सर से और विनय जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है सभी से। अब मैं अपना अपने इस पे जो शेयरिंग है उस पे आता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे जो मैंने किया है। एक्चुअली बीइंग ए मानव, मुख्य रूप से मैं अपने आप में और बॉडी में, पहले क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा स्पष्टता नहीं थी कि मैं क्या करूँ, कैसे इन दोनों को अलग करूँ। लेकिन हाँ, जब से मैंने UHV ज्वाइन किया तो मुझे साफ डिफरेंस इन दोनों में समझ में आने लगा है। जैसे कि सेल्फ की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे लगता था कि शायद शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें मैं अपने आप को और शरीर को कैसे अलग करूं। सो सुनील भैया ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं और प्रक्षित भैया ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जिससे कि मैं देख पाया हूँ अपने आप को बिल्कुल अलग अलग। सेल्फ और बॉडी दोनों अलग अलग है, एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है, एंड सेल्फ इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है। सो इसके लिए जैसे कि सेल्फ में मैं चाहता था कि मैं बचपन से, मेरे फादर तो किसान थे, उनसे भी मैंने बहुत सारे संस्कार लिए, बहुत कुछ सीखा है कैसे एक किसान उसमें अपनी दरिद्रता में भी खुश रह सकता है, या मीन्स अपने दुख में भी खुश रह सकता है, अपने आप को खुश बनाए रखता है। तो वो मैंने वहां से सीखा, वही से संस्कार मुझे मिला है उसके लिए। और
मैंने अपने आप को भी देखा है कि मैं अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकता हूँ या मेरे अंदर हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, ये कंटिन्यूअस रह सकती है या नहीं। जैसे कि भैया ने बताया था एक बार कि अगर जो हम चाहते हैं या जो हम अपने आप को अगर अलग करना चाहते हैं, बॉडी की बहुत सारी डिजायर होती है और सेल्फ की शायद डिजायर ही होती है कि यस आई एम गेटिंग सम आई शुड बी मींस ऑनर फ्रॉम समवन एल्स। सो इसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, तो मैंने इसको अलग करने की कोशिश की संवेदना के थ्रू और इंफॉर्मेशन के थ्रू फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग। उसके थ्रू मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की, लेकिन मैं एक अपने जीवन की घटना से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पहले बच्चे मुझे बोलते थे, जो मैं शुरू में अपना कैरियर स्टार्ट किया था एम टेक के बाद, कि सर आप बहुत ही रूड हैं एंड आप जो बच्चों को हमेशा आप मतलब एक जब पढ़ाते हैं तो आप एक गुस्से से में रहते हैं, पता नहीं क्यों आपका ऐसा। तो मैं अपने आप को सोचता था कि नहीं मैं कभी गुस्से में रहता नहीं हूं, लेकिन हाँ हो सकता है कि जब मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, जब कोई मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन दिखाता है या कुछ और करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इनडिसिप्लिन किसके चलते दिखा रहा है, क्या कर रहा है, या बच्चे कैसे थोड़ी आवाज करना शुरू कर दे रहे। तो मैंने अपने अंदर ही उस कमी को ढूंढा कि शायद कमी हो सकता है मेरे अंदर है, क्योंकि मैं हो सकता ऐसा आता था मेरे मन में कि मैं एक तो बहुत कुछ जानता हूं और बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं उसका क्वेश्चन हाफ ही सुनता था और मैं आंसर देने की कोशिश करता था। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं क्वेश्चन का आंसर, जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा हूं, तो लेकिन वो रिलेटिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे लगता क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन सुना नहीं और मैं शायद आंसर देना शुरू कर दिया। तो इसके चलते मुझे लगता था कि बच्चों को या तो मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे या फिर मैं कहीं गलत आंसर तो दे रहा। तो अपने आप को सही करने के लिए मैं जबरदस्ती बच्चों को डांट देता था या कुछ और, यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिससे कि मुझे लग रहा था कि यस मैं एक एरोगेंट टाइप से हो गया हूं। तो उस चीज को मैंने बहुत ही अपने आप को सोचा, अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश की। तो यही मेरा मुख्य रूप से, फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था बच्चा तो मैं उसको बड़े ध्यान से सुना, धीरे धीरे उसको बहुत अच्छे ध्यान से सुना और उसको ये भी बोला, मैंने एक्सप्लेन किया और उसको ये भी बोला इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माय आंसर लेटर ऑन फॉर बेटर वे, अगर उस टाइम मुझे लग नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों का और मेरे बीच में एक रिलेशन बनता चला गया और वही बच्चे बहुत अच्छे खुश होने। अब यही चीज में अभी सभी में, जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जनरली मैं बहुत कई क्लासेस पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, फैकल्टी को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इंडस्ट्री के पीपल्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ कभी कभी, तो उनमें मुझे फिर ये अच्छा लगने लगा, अपने आप को मैंने उससे निकाल लिया और अब मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ लगता है कि मैं एक हारमोनी में, व्यवस्था में जी रहा हूँ अब, और जिस तरह से मैंने हारमोनी अपने लिए विकसित किया बनाया है, तो उसको मैंने अपने अंदर साफ तौर से मैंने देखा, अपनी हारमोनी को अपने आप को व्यवस्थित किया और उस हैप्पीनेस में मैंने जीना शुरू कर दिया। अब मुझे लगता है कि हैप्पीनेस अब कंटिन्यूअस रहेगी। सो इसके बाद जो हमारा नेचुरल है, सो यहाँ भी एक बहुत बड़ी घटना अभी अभी मेरे पिछले 1 जुलाई को हुई है। इसमें क्या है कि मेरी वाइफ ये सत्य क्या नाम एक मैडम भी जानती है रसपाल कौर, जो कि मेरी ही कलीग हैं यहाँ की और मेरे पूरे कॉलेज जानता है कि कैसे हुआ। मेरी वाइफ को अभी अभी 1 जुलाई को ये पैरालाइज अटैक हुआ। उसमें मैं, जबकि मैं अकेला था, मेरा छोटा बच्चा है, उसको मुझे स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता था, तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया उस दिन और बहुत ही इसी के चलते मेरी 1 जुलाई से 15 जुलाई का जो सेशन है वो भी छूट गया। सुबह मॉर्निंग सेशन मैं बहुत ही कम आया उसके अंदर, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह से उसमें। लेकिन मैं बहुत परेशान रहा हूँ, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, उनको अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा और डॉक्टर ने बोला कि वो बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है 90 डेज के लिए। अभी पतंजलि में मैं लेके गया हूँ उनको, उसके चलते
मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, तो यही नेचुरल, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उससे निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया है, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में रह रही हैं और सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे उन्होंने रिकवर भी करना शुरू कर दिया और मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ सुबह ही सुबह, आज भी मुझे जाना है 7:00 को। तो मुझे ये एक मेरा जो एक हारमोनी या वो डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम, उसको धीरे धीरे मैंने फिर दोबारा से कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने घर परिवार वालों की सहायता से उससे धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया। और अब अपने मेरी वाइफ का देखभाल भी वही लोग कर रहे हैं, मेरे घर वाले। मैं अपनी ड्यूटी पे वापस लौट आया हूँ 15-20 दिन के बाद, और मुझे लगता है कि फिर जैसे मैं शुरू में था वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है वो तो नहीं, लेकिन हाँ 80% मैं अपने आप को व्यवस्थित कर लिया हूँ। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने UHV का जो कोर्स कर रहा हूँ या जो शेयरिंग सुनता हूँ या जो लेक्चर सुनता हूँ उससे मेरे मन में बहुत ही अलग तरीके से हो गया, बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल किसी भी दुख से थोड़ा सा निकलने की कोशिश जल्दी कर लेता हूँ। ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा हैपनिंग था। और दूसरा अस्तित्व या एग्जिस्टेंस, इसमें मैंने यही देखा है कि मैं अपने आप को व्यवस्थित कर पा रहा हूँ और मानवीय आचरण में मीन्स जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक था, मेरा कंडक्ट था, वो एज इट इज होता जा रहा। इससे मेरी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हो पा रही है और मेरा जो मेरे कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप कर पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी हाँ, मैं ये चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरे बहुत साथ दिया है। सभी मेरे डायरेक्टर, मेरे इवन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी मेरी वाइफ को देखने गए, तो मुझे मेरे अंदर लगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सभी मेरा दुख में साथ दे रहे हैं, तो इसलिए इससे भी मैं अपने आप को बाहर निकाल पाया हूँ। एंड इसमें जो इसके चलते भी हुआ कि संस्कार जो मुझे मिला है, जैसे संस्कार में भी भैया ने 4 टाइप बताए थे। सुत का मतलब स्लीपिंग स्टेट होता है, और दूसरा तन्व जो वीक होता है, एंड देन विचिन डाइवर जो डाइवर्स होता है दूसरा, और उदार जो कि एक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट वाला जो मेरे अंदर संस्कार एक्टिव है उनके चलते भी मैं अपने आप को बाहर निकाल के ले आया हूं। यही मेरा रहा था। और इसमें जो मैंने मैं और शरीर के बीच में जो मेरे को डिफरेंस दिखाई दिया, मैं अपने आप को मतलब बॉडी हो सकता है मेरा थोड़ा परेशान हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, या उसका हो सकता है कि मेरा हेल्थ ठीक ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। दिस कॉन्फिडेंस डेवलप बाय द ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, थैंक्स फॉर ऑल। इसके लिए मुझे अपने आप को, आपको सभी को धन्यवाद देना है और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और जो अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीना सीख गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पहले मैं अपने उन चीजों में उलझा रहता था उनसे धीरे धीरे मैं बाहर आ रहा हूँ, यही मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मेरे आसपास जो घटित हुआ है या मेरे सरकमफ्रेंस में जो भी हुआ है उससे निकलना इतना इजी नहीं था, लेकिन मैं इसकी हेल्प से जो मैंने किया है UHV, इनकी हेल्प से मैं मुझे निकलने में थोड़ा टाइम बहुत कम लग गया और मैं बहुत जल्दी से निकल गया। जो और चीजें हैं उनको धीरे धीरे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, लेकिन उनको कोशिश करता हूँ कि मैं निकाल लूंगा अपने आप को। तो यही मुझे बोलना था क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा उसमें हो रहा हूँ, तो मेरे बच्चे को भी छोड़ना है, तो मुझे थोड़ा सा अपने टाइम का वो देखना है। तो भैया इतना ही मुझे कहना था, मैंने बहुत कुछ सीखा इसके लिए, धन्यवाद मैं सभी को देता हूँ। अपने हाथ जोड़कर सभी को नमन करता हूँ कि इन लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी का साथ एक फैमिली की तरह हमने लोगों ने सीखा और सीखते रहेंगे लाइफ टाइम। मैं पैनलिस्ट भी रहा हूँ, मैंने किया है काम, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था जिससे मैं धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। यही आज का मुझे बोलना था, धन्यवाद। मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी
अपनी बात रखे। जी नमस्ते जगबीर जी। जी दीदी नमस्कार। नमस्ते, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सहज ढंग से आपने अपनी शेयरिंग रखी और ये आपने दर्शाया कि परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती और जब परिस्थिति एकदम से आती है सामने तब उस समय मतलब वो क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन उससे कैसे जूझना है या उससे कैसे बाहर आना है या उससे कैसे प्रभावित नहीं होना है, ये चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करी। आप जो अपने अंदर जो काम कर रहे हैं उसके कारण आप अपनी अंदर की स्टेबिलिटी को बनाए रखे और आपने बहुत मेहनत करके अपने आप अपने अंदर ये इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी कानी राजा जी कह रहे थे और चैट में भी बहुत लोगों ने लिखा है, इससे औरों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, जस्ट इतना भी कि आप मतलब आपको ये परिस्थिति थी और आपने शेयरिंग भी रखी और आपने अभी अपने बच्चे को छोड़ने भी जाना है, उस सब में भी आप अपने भाव को बनाए रखे और आप इतना सब कह पाए, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो आगे तो आपने बताया ही है, ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना हमें और अपने अंदर आराम महसूस होगा। तो जैसे जैसे आप अगले बैच के साथ भी जुड़ेंगे और ये एक्सरसाइजेस को और थोड़ा गहराई में देखेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत आप में और बदलाव भी आएगा और आगे आपकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी बात मैं जो सजेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आपकी पत्नी भी जस्ट शेयरिंग्स या जो भी है उनको सुन पाए, उन पर कुछ जोर ना डालें लेकिन उनके साथ बैठ के अगर आप सुनते हैं या उनको थोड़ा थोड़ा इसका ना सुनने को मिलता है तो उससे हो सकता है कि उन्हें भी मदद मिले इसमें से बाहर आने के लिए, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि प्रॉब्लम सेल्फ में भी है ही और उसके रहते इवन जो प्रॉब्लम शरीर में है उससे सेल्फ इतना प्रभावित ना हो उसके लिए तो डेफिनेटली हम अपने अंदर काम कर ही सकते हैं। तो आपको ये सब मैनेज करने के लिए और इसमें से बाहर आने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पत्नी की जल्दी रिकवरी हो उसके लिए बहुत जी दीदी धन्यवाद। मैं अपनी वाइफ को भी जैसे ही वो इस स्थिति में आती है तो मैं डेफिनेटली उनके साथ भी सत्र को अटेंड करवाऊंगा। जी दीदी धन्यवाद। दीदी धन्यवाद सभी का, नमस्कार।